Hey guys, it's me, your Russell. Welcome back to my channel. And as the latest vlog, the beautiful heritage site in Odisha, Konark Sun Temple. Odisha के beautiful tourist places में one of the best place है Konark Sun Temple. एंड इसका लोकेशन है पुरी से 35 किलोमीटर डिस्टेंस में लोकेटेड है एंड ओडिशा कैपिटल भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर डिस्टेंस में लोकेटेड है एंड इसका एंट्री टिकट 35 रुपीज़ है ईच पर्सन. किड्स के लिए कुछ एंट्री टिकट नहीं है एंड इसके टाइमिंग्स देखेंगे तो मॉर्निंग 6 से लेके इवनिंग 8 PM तक ओपन रहता है. एंड आपको यहाँ पे घूमने के लिए तो ट्रैवल गाइड्स भी अवेलेबल रहते हैं एंड उनका चार्जेस है ईच पर्सन 250. एंड आपको दिखता है यही द फेमस सन टेम्पल. आपको टेम्पल का अपीयरेंस देखेंगे तो एक चैरियट के टाइप में रहता है एंड मैं एक गाइड को हायर कर लिया हूँ, चलते हैं उनके बातों में सुनेंगे. एक नदी था चंद्रभागा, नदी और समुद्र के था संगम जगह. तो टोटल एरिया सी लेवल का नीचे है. वाटर लेवल ये टेंपल का फ्लोर का साथ समान है. ये मंदिर का चट्टान देखने मिलता है उसके साथ समान है. जब सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा से, ये तीन दरवाजे को छूकर पहला रोशनी सीधे गर्भगृह के अंदर गिरता है. 23 आधा डिग्री दक्षिणायन गति के ऊपर जब सूर्य रहता है, दाहिने बाजू वाला दरवाजे होकर पहला धूप उसके अंदर गिरता है. 27 आधा डिग्री उत्तरायण गति के ऊपर जब सूर्य रहता है, बाएं बाजू वाला दरवाजे होकर रोशनी जाता है उसके अंदर गिरता है. बीच वाला दरवाजे होकर साल में 2 दिन पहला रोशनी जाता है, मार्च 21 सितंबर 23. ठीक, गजलक्ष्मी का सवार. दौलत और शक्ति दोनों चीज अगर एक आदमी के पास अंशन ज्यादा होता है उसके मन में एम भाव, घमंडी भाव, ये नकारात्मक भाव आ जाता है. इसलिए दौलत और शक्ति दोनों चीज मिलकर इंसान को दवा करेगी. इस स्थापति के मुताबिक जो व्यक्ति दर्शन करने के लिए जाएंगे उनके पास जो अहंभाव और घमंडी भाव रहता है उसको बाहर परित्याग करके अच्छी भाव को जगा कर अंदर चलना चाहिए. इसका नाम रहता है जागृत सिंह, जगा हुआ चेत. 24 घंटे से आधे घंटा सर्च होता है. ईस्ट बंगाल में एक लांगुलिया नदी रहता, उस नदी को पार कर फिर उसको खर्चा करके निर्माण किए थे, इसलिए उनको लांगुलिया नरसिंह देव कहा जाता. बाद में उसको अपभ्रंश करके लांगुला नरसिंह देव बोल दिया. एक्चुअली वो होता है लांगुलिया नरसिंह देव. 1200 कारीगर उसको 12 साल के अंदर तैयार किए थे. 36 करोड़ सोने का सिक्का स्मरण किया. ये जो 12 मेथड पड़ता है इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं. 1238 से मंदिर का काम शुरू किए थे, 64 के अंदर कंप्लीट किए थे लगभग 28 साल. लेकिन यहाँ पर सब ग्रीक, तिब्बत, चाइना, ये सब विदेशी लोग ज्यादा काम करते, इसलिए ग्रीक स्थापत्य दिख मिलता. एक ग्रीक शासक है चंद्रगुप्त मौर्य. ग्रीक सेनापति सेलुकस लड़की हेलेना को शादी कर देने के बाद ग्रीक लोगों को भारत को ले आए और ग्रीक लोग सबसे पहले बामियान बुद्ध मूर्ति अफगानिस्तान में तैयार करके पूजा किए थे, इसलिए ग्रीक कारीगरों का मदद लेते थे. तो उन्होंने काफी बड़े बड़े फैमिली क्रिएशन कर देने के बाद जो टैक्स नहीं भर पाते थे उनका लड़कियों को दान करते थे. टैक्स लड़की को लेकर देवदासी, गुप्तचारिका, द्वारपालिका, विषकन्या, जहर कन्या के रूप में तैयार किए थे. कई भरलैंड चेंगिस खान पीरियड में प्रवेश किए थे जम्मू कश्मीर को टच करके, लेकिन ये लोग सब बर्फ एरिया में रहते हैं इसलिए स्किन कैटेगरी डिजीज होता है, इसलिए वो लोग ज्यादा मांस खाते हैं बर्फ एरिया में, ये चर्बी बढ़ जाती है. जिन्हें चर्बी जिसका पेट के नीचे बढ़ जाता है उनके पास प्रजनन क्षमता काफी लेट में आता है. दरअसल ये लोग बेर बड़ी में संबद्ध करते हैं समुद्र किनारे में, तो इसलिए उनका आर्मी के अंदर जो सेनाओं का अपॉइंटमेंट किए थे रेस्लर के रूप में तैयार करके अपॉइंटमेंट किए थे, इसलिए यहाँ पर देखने मिलता है जेंट्स रेस्लिंग कॉम्पिटिशन. जम्बावती से पैदा हुए थे लड़का शंभो. शंभो दिखने के लिए काफी खूबसूरत, इसलिए आप सूरत की वजह से ये किसी को रेस्पेक्ट नहीं देता.
इन्हें उनका एक दिन गलत रास्ता में फंसाया, जहाँ पर गोपियों ने नहाते थे वहाँ उनको भेज दिया। उन्होंने बोला कि आपका पिताजी बुला रहे। वो चला देने के बाद गोपियों ने उनको पहचान नहीं पाया। इसलिए कृष्ण सोचकर उनके साथ जब जल क्रीड़ा करने लगा, तब नारद मुनि कृष्ण भगवान को बोलने लगा कि आपका बेटा गलत नियत पर। खुद कृष्ण भगवान ये दृश्य को देखकर उनको श्राप दे दिया, कोर बीमार का श्राप। ये श्राप पा देने के बाद इधर आकर सूर्य पूजा शुरू की। इसलिए कृष्ण जी का मूर्ति दिखने नहीं। हाई हील शू, जो बर्फ एरिया में जो व्यक्ति रहते हैं, नंगा पैर में चलने से स्किन एलर्जी भी होता है माइनस टेम्परेचर की वजह से, इसलिए वो लेदर शूज को स्टार्ट किया। हाई हील शू जो कि भारत का चीज है, इसको भारत में हिमाचल प्रदेश व्यक्ति सबसे पहले स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश व्यक्ति ये सब चेहरा गोलाई नाक चपटा वाला, इसलिए वो सब मंगलो जेनेटिक लोग। यहाँ देखने मिलता है दर्पणा मूर्ति, उनके हाथ में एक शीशा देखने मिलता है, दूसरा हाथ में सिंदूर मांग में भर रहे। सबसे पहले देवदासी कन्या ने जब देवताओं को शादी करते थे तो मांग में भरते थे सिंदूर, हल्दी, देन सिट्रिक एसिड, देन मर्क्यूरी, ये तीनों का समिश्रण होते लाल सिंदूर। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, मगध, ये सब इलाका में सूखा वाला सिंदूर मांग में काफी लंबा हुआ। कोई भी महिला व्यक्ति उनकी ब्रेन के ऊपर जितने बड़ा सिंदूर रेखा इस्तेमाल करेगी, उनकी आयु उतना जल्दी कम होगी। आयु कम करने के लिए लगाते हैं, क्योंकि समाज में सती प्रथा चलता था, सती प्रथा से बचने के लिए रिवाज को शुरू किया था। इसमें जो पारा रहता है, ये पसीना के वजह से जो मेल्ट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ग्लैंड को टच करके जो स्कल के अंदर प्रवेश करता है, टिश्यू नर्व वेन ब्लड सेल, उसको इनएक्टिव कर देता है। तो सेल जितना मरता है, एनर्जिक लेवल कम हो जाता है, आसानी से बीमार आता है। फिर पति से पहले पत्नी अगर गुजर जाएगी तो उनको सदमा मिलेगी, तो वाइजेंस विधवा आ जाएगी, जिंदा जलाते हैं, इसलिए सब लंबा लंबा सिंदूर है। इसका बगल में सब बरगद पेड़, पीपल पेड़ आने लगा, तो यहाँ पर काफी तूफान आता है। तूफान की वजह से मेन मंदिर अपने आप गिरने लगा। ये आधे भाग मिट्टी का मंदिर था, ऊपर भाग को देखकर सोच लिया पिरामिड, गुप्त धन खजाना पाने के लिए उसको खोद के निकाला। गुप्त धन और खजाना पाने के लिए उसको खोद के निकाला। इसका बगल में जो बरगद पेड़, पीपल पेड़ था, वो पेड़ों को काटकर साधे वाला पत्थर डाल दिया, इसलिए इसके ऊपर नकाशी नहीं। ये जो स्ट्रक्चर का स्टाइल देखने मिलता है पिरामिड आकार, पिरा शब्द का अर्थ होती है अग्नि, मीर शब्द का अर्थ होती है केंद्र, अग्नि सुरक्षा केंद्र। इसमें सिर्फ अनजनता बैठकर पूजा करते थे, प्रसाद समर्पण किए थे, दीपक लगा, जिसको जगमोहन भास्वर देउला दिया में कहा जाता है। क्राउड भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, दिखता है ना आपको एक सब एक चैरियट के टाइप में दिखता रहता है। चार्ल्स डार्विन थ्योरी मुताबिक पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला जीव आने लगा जेलीफिश, समझ लिया। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर एक फीमेल कंसीव रहता है, फर्स्ट सेकंड मंथ पे लंबा मछली के आकार में रहता है बच्चा। ये क्रोनोलॉजिकल जो डेवलप करता है, सेकंड टू फोर्थ मंथ में एक सफेद फिन को धारण करता है कछुआ। फोर्थ टू सिक्स मंथ में बच्चा का 50% आ जाता है ह्यूमन बॉडी, फेस डेवलप नहीं होता, आधा चेहरा रहता है जानवर, आधा रहता है इंसान, बड़ा रूप को धारण करता है। नागिन मूर्ति देखने मिलता है वास्तु के हिसाब से, जहाँ पर मकान और घर बनाते हैं। सबसे अच्छी चक्र है संभ्रमतावासी महिला कपल्स, दंपतियों का दंपत्य जीवन, कपल्स लाइफ, इसमें डिपिक्शन किया, मतलब उन लोग का पर्सनल लाइफ से इसमें डाल दिया गया। क्या नाम रहता है, लाइफ सर्कल, जीवन चक्र, ये सबसे अच्छी बात।
दिस इज द विस्परिंग मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ नो वापस में कंठ से बातचीत करते विस्परिंग शादी का एक साधु है जो शादी का मूर्ति देखने मिलता है महिला मूर्ति एक पैर काफी पतला एक पैर काफी मोटा है कोस्ट एरिया में फीमेल फॉर्टिगन मस्किटो ज्यादा रहे फीमेल फॉर्टिगन मस्किटो तालाब नदी पानी के ऊपर लार्वा अंडा डाल देते हैं जो कोने पर जो हाथी मूर्ति उल्टा हाथी उधर एक देखने मिलता है सर्कुलेशन स्कल्पचर एंड यहाँ पे मिनिमम फैसिलिटीज तो सब अवेलेबल है लावेटरीज ड्रिंकिंग वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन भी इजी ट्रांसपोर्टेशन है हर जगह से रोड कन्वीनियंट भी ठीक है मैक्सिमम बहुत रोइन हो चुके हैं ऑलरेडी फिर भी देख सकते हैं ये व्हील्स आपको जो दिखते हैं ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है इसके पीछे सब साइंटिफिक का डिजाइन ये व्हील्स के हिसाब से एग्जैक्टली टाइम जान सकते हैं कितना साइंटिफिक है इसमें प्राचीनतम नक्शा देख सकते हैं मंदिर बनाने वाला व्यक्ति नक्शा कर दिए थे क्योंकि इसमें जो नकाशी है सब नकाशी 10 रुपया के पीछे दिखने मिलता है और यहाँ पर एक जिराफ मूर्ति दिखने मिलता है हाथी का सामने जो पेड़ के नीचे इससे पता चलता है यहाँ पर बंदरगाह था अफ्रीकन नाविक लोग जो व्यापारी के रूप में आते थे ये राजा महाराजों को खुश कराने के तोहफे के रूप में अट्रैक्टिव एनिमल्स इंस्ट्रूमेंट उनको सब देते थे प्रदर्शन करते थे इसलिए जिराफ दिख कोई भी टेम्पल वॉल पेपर अगर आप लोग मछली का नकाशी देखेंगे माछ मछली तो आसानी से आपको पता चल जाएगा तांत्रिक मंदिर उधर पशु बलि प्रथा है
ऊपर में एक बड़े वाला मूर्ति है मध्यान्ह सूर्यदेव, चेहरा पे थोड़ा गमे बाप, मध्यान्ह रोशनी दो हर रोज उस मूर्ति के ऊपर आ जाता, इसलिए थोड़ा सा गंभीर बात देखने मिलता है। लेकिन उनका पैर में जूता, हिंदू रिवाज में कोई भी देवताओं का पैर में चमड़ा जूता नॉनवेज नहीं आता, नहीं आता। जिसको यूरोपियन, यूरोशिया, ग्रीक, यूरोप ये सब लोग मनाते हैं वेस्टर्न वाला, उसमें जूता डाल देते, जिसमें रहता है जूता वो लॉर्ड कैटेगरी के अंदर आता, उसमें कॉपर और जिंक रहता है इसलिए नुकसान नहीं होता। एंड ये टेम्पल का हाइट तो नियरली 230 फीट हाइट है। दिखता ना देखने के लिए बहुत सुंदर है देखने के लिए। यहाँ पे आसपास में देखने के लिए और भी प्लेसेस है एंड इसके नियरली एक प्लेस है चंद्रभागा बीच, कोणार्क बीच एंड पूरी टेम्पल, ये सब इसके साथ ही नियर बाय रहते हैं, वो भी विजिट कर सकते हैं। एंड अकोमोडेशन देखेंगे तो यहाँ पे अकोमोडेशन भी मिलता है थोड़ा, मतलब 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होटल्स भी अवेलेबल है। ये है मंडप, मेन टेम्पल का ऑपोजिट में ही रहता है, बट इसके ऊपर जाने के लिए अभी अलाउड नहीं है। बट गाइड को हायर कर लेने से आपको हर एक इंफॉर्मेशन क्लीन से जान सकते हैं। ज़्यादा भी चार्जेबल नहीं है, सिर्फ 250 रुपीज में गाइड्स, नंबर ऑफ गाइड्स मिल जाते हैं। एंड और एक यहाँ पे फोटोग्राफर्स भी अवेलेबल रहते हैं एंड ईच फोटो कॉपी के लिए 50 रुपीज़ जैसा कलेक्ट करते हैं, इमीडिएट से आपको कॉपी प्रिंट करके दे देंगे। सिर्फ ये टेम्पल ही नहीं है, टेम्पल के प्रेमिसेस भी बहुत नीट से, ब्यूटीफुल लॉन्स भी देख सकते हैं यहाँ पे। मुझे दो बैठने वाला मूर्ति दिखने मिलता है पिलर में, उनके माथे के ऊपर लंबा लंबा टोपी दिखने मिलता है और हाथ काफी लंबा दिखने मिलता है, बहुत ही मूल आर्य व्यक्ति ईरानियन। चलते टेंपल के ऊपर को, यह है मेन टेंपल का एंट्रेंस, इतना ही है और अंदर नहीं जा सकते। कैसा लगा आपको ये टेम्पल प्लीज कमेंट करके बता देना। देखने के लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you. See you again in next vlog.
कीप इन टच।